अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्लैशिंग विद सुनील। तो दोस्तों आपने मेरा ये अकाउंट पहले भी देख चुके होंगे शायद। ये एक इंजीनियर टाउन हॉल 8 है और मैंने एक इंजीनियर बेस पे वीडियो में बना चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों ये जो मेरा क्लैन है ये लेवल 8 का है और जल्दी ही ये लेवल 9 का हो जाएगा। लेवल 9 का ऑलमोस्ट हो चुका है, मतलब आधा रास्ता कंप्लीट हो गया और आधा बचा हुआ है। तो दोस्तों मैं आज की वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि हम जो वॉर स्ट्रीक देखते हैं कि और क्लैनों की बहुत ज़्यादा होती है और कैसे हमको अपने वॉर लोग को इम्प्रूव करना है, मतलब कैसे हम अपनी ज़्यादा वॉर स्ट्रीक बना सकते हैं। और अगर आप न्यूली बिल्ड क्लैन है तो कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से वॉर जीत सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये मेरा क्लैन है और जो एट प्रेजेंट मेरी जो वॉर विन स्ट्रीक है ये है 6 पे। तो देखते ये दोस्तों मैं अब आपको अपने क्लैन की वॉर लॉग दिखा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं ये अभी तक काफ़ी अच्छी दिख रही है, पूरी ग्रीन है, एक भी रेड नहीं है। अगर आप देखें तो जो हम लास्ट वॉर हारे थे वो हम 25 दिन पहले हारे थे, मतलब हम रेगुलरली वॉर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो टाइमिंग दिख रही है, हम 2 दिन में एक बार वॉर करते हैं पर कभी भी वॉर नहीं हार रहे। तो मैं आज आपको बताता हूँ इसकी ट्रिक कि आप कैसे अपने वॉर अपोनेंट्स को आसानी से वो पूरे 3 स्टार कर सकते हैं और कैसे हर वॉर जीत सकते हैं। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहता हूँ, तो बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों अब मैं आपको अपने जो वॉर लॉग है इसके वॉर डिटेल्स में दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं कैसे बेसिस वॉर में लेता हूँ। तो दोस्तों मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप न्यूली बिल्डेड क्लैन है तो आप 5 to 5 वॉर्स करें और वॉर में खाली आप अपने जो भरोसेमंद प्लेयर्स होते हैं, जिन पे आपको ट्रस्टेबल प्लेयर्स कहते हैं, उन्हीं को केवल वॉर में ले ताकि वो आपको अच्छे से अटैक कर पाए। और अगर आपके एक से ज़्यादा COC अकाउंट्स हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अपने सारे COC अकाउंट्स को वॉर में ले। तो आप देख सकते हैं मेरे 3 अकाउंट्स वॉर में होते हैं 5 to 5 वॉर में, और आप देख सकते हैं एक अकाउंट मेरा टाउन हॉल 9 होता है। ये मैं आपको कहूँगा कि जो आप टाउन हॉल 9 लेते हैं ये पूरी तरीके से मैक्स नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसके जो डिफेंसेस है लेवल 7 के हैं, बस जो इसके टेस्ला और जो ट्रैप्स और जो एयर डिफेंसेस है वो 4 एयर डिफेंसेस है। टाउन हॉल 8 के लिए 3 एयर डिफेंसेस होते हैं पर बस मैंने इसके 4 एयर डिफेंसेस कर रखे हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, जब अपोनेंट हमारे ऊपर अटैक नहीं करता है तो हम पे 3 स्टार नहीं कर पाता, 2 मैक्सिमम स्टार कर पाता है, क्योंकि जो इस बेस का जो अपोनेंट मिलता है वो टाउन हॉल 8 होता है, तो हम उस पर आराम से अटैक करके उसको 3 स्टार कर सकते हैं, पर वो हमारे ऊपर 3 स्टार नहीं कर पाते। यही सबसे बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो टाउन हॉल जो सेकंड मेरा प्लेयर होता है वो होता है टाउन हॉल 7, जिसका डिफेंस पूरी तरीके से मैक्स्ड हो चुका है होता है। देखिए दोस्तों ये मेरे एक ट्रस्टेबल प्लेयर है एस, आप देख सकते हैं इसका बेस काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो इसमें डिफेंसेस जीतने के पूरे चांसेस होते हैं। ये टाउन हॉल 7 पूरी तरीके से मैक्स है, तो वैसे तो ये आमतौर पे पूरी तरीके से 3 स्टार बन जाता है, पर मैं इसको इंजीनियर्ड वॉर ना बना के थोड़ा बहुत वॉर वेट कैरी करता हूँ तो मुझे एक तो मैक्स बेसिस लेने पड़ते हैं। तो वैसे ये प्लेयर अभी इनएक्टिव है पर मेरे 3 अकाउंट्स होते हैं तो मैं केवल 5 अटैक करता हूँ और वो मेरे सारे जीत चुका होता हूँ। और अगर आप देखें तो ये भी मेरा जो ये करंट अकाउंट है ये इंजीनियर टाउन हॉल 8 होता है, और जो इसके टेस्लाज होते हैं आप इसकी पोजीशंस देखिए, ये बिल्कुल साइड में है क्योंकि ये हिडन टेस्लाज होती हैं, तो इन पे टाइम वेस्ट करने की मैं कोशिश करता हूँ पूरे तरीके से। और जो इसकी सबसे पहली बात है, अगर आपका कोई इंजीनियर अकाउंट है तो आप उसके जो ड्रैगन है वो पूरी तरीके से मैक्स रखिए। जो ये मेरा टाउन हॉल 8 है इसमें जो मेरी लाइटनिंग और ड्रैगन है उनका अटैक पूरी तरीके से मैक्स है, और वो इनकी जो एबिलिटी ये भी है कि ये मेरा जो नंबर 5th या नंबर 3rd होता है वो भी उनके नंबर 1st को 3 स्टार कर सकता है। तो अब हम चलते हैं अपने 4th बेस की तरफ। ये जो आमतौर पे जो मैं बेस लेता हूँ वो एक टाउन हॉल 6 होता है जो पूरी तरीके से मैक्स्ड हो चुका होता है। देख सकते हैं ये दोस्तों टाउन हॉल 6 है, बस इसकी वॉल्स बच रखी है। मैंने इसे भी वॉर वेट के मकसद से ले रखा है, वैसे ये अटैक नहीं करता पर फिर भी मैं अपने बाकी बचे हुए अकाउंट से अटैक कर देता हूँ तो मेरे अटैक सक्सेसफुल रहते हैं। और फिर से मैं एक इंजीनियर बेस हूँ,
आप देख सकते हैं ये टाउन हॉल 7 है और ये भी पूरी तरीके से इंजीनियर्ड भी है। इसमें अभी तो आपको टेस्ला एक ही दिख रही है, पर अब दो टेस्लाज इसमें बन चुकी है। अभी याद आया, इसमें दो टेस्लाज बन चुके हैं अभी। और जो ये एक इंजीनियर्ड अकाउंट है, इसमें भी मेरे जो ड्रैगन्स हैं वो लेवल 2 के हो चुके हैं। मतलब ये जो बेस है, ये भी किसी भी टाउन हॉल 7 को 3 स्टार कर सकता है। और जो मेरे जो अपर के दो बेसिस होते हैं, जो इंजीनियर टाउन हॉल 8 और टाउन हॉल 9 होते हैं, वो उनके किसी भी बेस को 3 स्टार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक अच्छा बेनिफिशियल पॉइंट होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ओनली 5 vs 5 वॉर कीजिए, आप ज़्यादा भी कीजिए। अभी तो मेरा क्लैन पूरी तरीके से डेड है, क्योंकि जो मेरा मेन अकाउंट है वो टाउन हॉल 9 है, और आपको पता है वो एक लेवल 16 के क्लैन में। तो मैं इस क्लैन को बस साइड में ग्रो कर रहा हूँ, इसमें मुझे कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। आप देख सकते हैं जो मेरे हर वॉर में वॉर अटैक्स होते हैं वो केवल 5 होते हैं और 15 स्टार्स होते हैं। मतलब हर अटैक मेरा 3 स्टार होता है, तो मेरा हर एक अटैक पूरी तरीके से 100% डैमेज करता है। और अगर आप मेरे वॉरलॉग पे अगर ध्यान से नज़र डालें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आप डिस्ट्रक्शन परसेंट मेरा देखते हैं, वो हर वॉर में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 100% है। एक वॉर में खाली 80.80% है, बाकी आप सब में देख सकते हैं पूरी तरीके से वो 100% डैमेज है। मैं आपको, अगर आप ये ट्रिक यूज़ करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके वॉर टाई ज़रूर हो जाएंगे, पर आप कभी भी वॉर हारोगे नहीं। आप देख सकते हैं हम ऑलमोस्ट 1 month से एक भी वॉर नहीं हारे। और अगर आपके पास ज़्यादा ट्रस्टेबल प्लेयर हैं तो आप 10 to 20 वॉर्स पे भी जा सकते हैं। बट जो मेन पॉइंट है, मैं उनका यही कहूँगा कि जो आपके थोड़े बहुत टाउन हॉल आप ऐसे लीजिए जिनका वॉर वेट बिल्कुल कम हो, तो आपके वॉर जीतने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और जो वॉर वेट जिनका आप कम लेते हो, तो उनके ट्रूप्स भी मैक्स होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप रश बेसिस ले लें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका, तो उनके ट्रूप्स मैक्स होंगे तो क्या होगा कि वो ऊपर वाले प्लेयर के बेसिस 3 स्टार कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। और क्लैन गेम्स आप देख सकते हैं आ चुके हैं, तो अच्छे से क्लैन गेम्स में पार्ट कीजिए। कीप क्लैशिंग विद सुनील।